इंटरफेथ मैरिजेस की एक लॉ है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने तो इससे जो इंटरफेथ कपल्स होते हैं विदाउट कस्टम एंड रिचुअल्स वो शादी कर सकते हैं यूजिंग दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी इसके अंदर वैलिडेट किया जाता है रजिस्टर किया जाता है इंटर रिलीजियस एंड इंटर कास्ट मैरिजेस को तो यहाँ पे एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट थ्रू इंडिविजुअल कैन सोलमनाइज देयर मैरिज इस एक्ट के अंदर कोई भी आपको रिलीजियस फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती है नॉर्मल शादी हो जाती है कोई भी रिलीजियस uh, चीज़ें नहीं करनी पड़ती है इसके अंदर हिंदूज़ मुस्लिम क्रिश्चन सिख जैन बुद्धिस्ट मैरिज सारी आ जाती हैं एंड ये एक्ट सिर्फ इंडियन सिटीज़न के लिए अप्लाई करता है जो डिफरेंट कास्ट है डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हैं और इंडियन नेशनल पे भी अप्लाई करते हैं जो बाहर रहते हैं तो इंडियन सिटीज़न एज वेल एज़ इंडियन नेशनल्स मतलब एन पे भी अप्लाई होता है तो इसमें एक इलाबोरेट प्रोसीजर दे रखा है किस तरीके से मैरिज रजिस्टर की जाएगी पहले तो क्या कर, करा जाता है जो पार्टी जो शादी करना चाहते हैं लड़का लड़की वो क्या करेंगे नोटिस देंगे मैरिज ऑफ़िसर को उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी मैरिज ऑफ़िसर होगा वहाँ पे और कम से कम वो उस डिस्ट्रिक्ट में तीस दिन से रह रहे हो ऐसा नहीं हो कि आज ही आए आज ही मतलब वहाँ पे रजिस्ट्री आपने नोटिस दे दिया आपको कम से कम तीस दिन में उस डिस्ट्रिक्ट में रहना पड़ेगा एंड देन आप नोटिस दे सकते हो मैरिज ऑफिसर को अगर आप वहीं पे रहते हो उसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो कोई दिक्कत नहीं अगर किसी और दूसरी डिस्ट्रिक्ट पे जाते तो इस दिन रहोगे देन यू कैन गिव नोटिस टू द मैरिज ऑफिसर इसका इस टाइप का जो नोटिस है उसको डाल दिया जाएगा ना मैरिज नोटिस बुक और इसको मैरिज ऑफिसर पब्लिश कर देगा इसमें डिटेल्स होगी जैसे नाम होगा डेट ऑफ बर्थ एज ऑक्यूपेशन पेरेंट्स नेम डिटेल्स एड्रेस पिन कोड आइडेंटी इन्फॉर्मेशन फोन नंबर तो इसमें कोई भी अब आके ऑब्जेक्शन कर सकता है मैरिज के लिए तो अगर कोई भी ऑब्जेक्शन तीस दिन तक नहीं आती है तो मैरिज को मान लिया जाएगा कि मैरिज हो गया अगर ऑब्जेक्शन अगर रेज़ की जाती है कि नहीं ये शादी सही नहीं हो रही है ये लड़के का कुछ और ऑलरेडी शादी हो चुकी है लड़की ही हो चुकी है तो उस तरीके से ऑब्जेक्शन को इंक्वायर किया जाएगा और ऑब्जेक्शन को देखा जाएगा कि मैरिज कि हो सकती है कि नहीं हो सकती है ऑब्जेक्शन के हिसाब से कास्ट है इंटर रिलीजियस फेथ के लिए है हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी फोर थर्टी डेज़ में आपको उस डिस्ट्रिक्ट में रहना पड़ेगा पर आपको मैरिज ऑफिसर पे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और थर्टी डेज़ पे थर्टी डेज तक नोटिस लगाया जाएगा किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है उस एरिया में अगर नहीं ऑब्जेक्शन आता है तो शादी हो जाएगी अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ नाइनटीन